हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी समय बाद मैं यूट्यूब पे वापस आया हूँ और ये जो वीडियो है ये स्पेशल बनाई जा रही है कुछ रिक्वेस्ट पे जो आई हुई थी मुझे यूट्यूब कमेंट्स में, कि जो मैंने लैपटॉप रिव्यू किया था HP गवर्नमेंट की तरफ से जो दिए गए थे उस पर अब एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये डेल के लैपटॉप थे जो हमें HP गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए थे और यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं। लगभग 9 मंथ्स हो चुके हैं मेरे पास ये लैपटॉप आए हुए। इसमें इंटेल का i3 11th जनरेशन का है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की। अगर मैं अभी बताऊं 9 मंथ्स बाद, तो ये करंटली इसमें मैंने विंडो 11 डाली हुई है और साथ में मैंने इसको कुछ अपग्रेड किया था। इसमें 4 GB रैम थी जिसको मैंने अपग्रेड करके 8 GB किया था और वो मैंने डेल के स्टोर पे जाके ही किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप इसमें SSD भी बढ़वाइए जिसकी वजह से इसका जो ऑन होने का टाइम है वो और रिड्यूस हो जाएगा और लैपटॉप की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। लेकिन फिर मैंने उस टाइम पे कहा था कि अभी के लिए मेरे को सिर्फ रैम की ज़रूरत है, तो मैंने सिर्फ रैम ही डलवाई थी। और जब मैंने इस लैपटॉप में अभी के मेरे पास 8 GB रैम है और जो इसकी जो परफॉर्मेंस है ये बहुत सही बन चुकी है। 4 GB में ये बहुत लैग करता था छोटी छोटी चीज़ों पर, लेकिन अभी देखना इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की हो गई है। अभी बहुत अच्छे, अगर आपने डे टू डे लाइफ में जो भी टास्क करने होते हैं तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स आए कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो इनको लैपटॉप मिले थे वो हैंग कर रहे हैं, चल नहीं रहे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, इवन उसमें PDFs भी हैंग हो रही हैं। तो आप एक काम कीजिए, जस्ट रैम को आप 8 GB अपग्रेड कर दीजिए, उसके बाद होगा ये आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंज आएगा। मैंने तो इसमें स्पॉटिफाई, यूट्यूब सब कुछ साइमल्टेनियसली चला के भी देखे हैं जब मैंने 8 GB रैम कर दिए है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है सब कुछ। ये देखिए, जहाँ यहाँ पे अभी मैंने हैवी सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं, इसमें मैंने OBS स्टूडियो से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डाविंसी रिजॉल्व का वीडियो एडिटर, VLC मीडिया प्लेयर, स्पॉटिफाई और गेम्स भी ट्राई करके देखे। इवन ये अभी गेमिंग लैपटॉप नहीं है लेकिन फिर भी इसमें मैंने गेम्स ट्राई करके देखे तो चलते हैं, मतलब चल जाते हैं, मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस तक लेता हूँ, तो काफ़ी सही लैपटॉप है ये। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब भी इसमें 4 GB रैम होती है तो इसमें जो रैम है वो सिर्फ 4 GB है और जो GPU है वो 2 GB का है और वो इंटीग्रेटेड है, तो 2 GB तो इंटीग्रेटेड GPU ही ले लेता था, इसलिए आपकी जो रैम थी 4 GB वो एक्चुअल में 2 GB की तरह ही वर्क करती थी। बस 4 GB रैम है और आप सोच रहे हैं कि ये लैपटॉप क्यों अच्छे से नहीं चल रहा 4 GB रैम पे भी, तो बस आप यहाँ पे सर्च कीजिए टास्क मैनेजर और टास्क मैनेजर को ओपन कीजिए। अभी मैं विंडो 11 में चला रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप में, क्यों नहीं चलता वो। यहाँ पे आप आइए टास्क मैनेजर में, फिर यहाँ पे ऐसे विंडो 10 हो गया अगर आपके पास, आपने बिल्कुल सर्च करके टास्क मैनेजर को सर्च करके यहाँ पे पहुँचना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि CPU आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, सिर्फ 10% यूजेज हो रहा है। यहीं पर मेमोरी में आते हैं हम, देखिए मैंने अपग्रेड कर दी है, तो यहाँ पे आप देखिए इन यूज़ आपकी जो मेमोरी होगी वो 3 GB के अप्रॉक्स लैपटॉप आपकी यूज़ कर रहा है। कोई भी एप्लीकेशन अभी मैंने ओपन नहीं की है, आप देख सकते हैं, फिर भी 3 GB लैपटॉप यूज़ कर रहा है। उसमें से देखिए 8 GB में से सिर्फ 4.8 GB के अप्रॉक्स हमारे पास यूज़ करने के लिए है सिर्फ। इसीलिए और दोनों के दोनों स्लॉट्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, 4 GB के 2 स्लॉट्स डाले हुए हैं मैंने, डुअल चैनल रैम है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एक्चुअल में अब जाके जब मैंने 8 GB रैम इसके अपग्रेड कर दिया है तब जाके एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल 4 GB रैम है। जब आपके पास सिर्फ 4 GB रैम है, अगर आपने अपग्रेड नहीं की है मेरी तरह, तो फिर आपके पास एक्चुअल में बचती है सिर्फ 1 GB के अप्रॉक्स अवेलेबल। और फिर आप समझ सकते हैं कि 1 GB अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका लैपटॉप किस तरह से अच्छे से वर्क करेगा। इसीलिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट होती है SSD अपग्रेड करने से पहले, आप
रैम को जरूर अपग्रेड कर लीजिए 8 GB ताकि एटलीस्ट ये वर्क कर सके, क्योंकि ये यूज़ करेगा ही 3 GB के अप्रॉक्स, बिकॉज 2 GB ये GPU में लेगा। और इसमें हाँ, इसमें 2 स्लॉट्स हैं रैम की डालने के लिए और 1 स्लॉट खाली होता है SSD डलवाने के लिए, तो आप इसमें SSD भी डलवा सकते हैं। उसके बाद तो ये लैपटॉप काफ़ी सही बन जाएगा, बीस्ट बन जाएगा। आई होप कि मैंने सबके डाउट्स सॉल्व कर दिए। अगर फिर भी आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।